आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक गैस हर चूर्ण। गैस हर चूर्ण के बारे में आज मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। और तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो दैट इज कॉल्ड गैस हर चूर्ण। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गैस हर चूर्ण कुछ इस तरह के व्हाइट और ऑरेंजिस पैकिंग में आती है और ये पतंजलि कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये जो मेरे पास है, वैसे और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो गैस हर चूर्ण जो है, जैसा कि आप नेम से ही कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, गैस हर यानी कि ये गैस को खत्म करती है, हर लेती है, किसी भी तरह के गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को ये शॉर्ट आउट करती है। और सबसे जो बेस्ट बात है कि ये इंस्टेंट रिलीफ दिलाती है। ये आयुर्वेदिक होने की वजह से ऐसा नहीं है कि इसका असर जो है बाद में होता है, इसे 2 ग्राम आपके पेट में जाते ही ये आपको रिलीफ दिलाती है और ये आपको इंस्टेंट गैस से राहत दिलाती है। ये जो है गैस की एक रामबाण औषधि आप इसे कह सकते हैं, जो लेते ही इंस्टेंट रिलीफ दिलाती है और आपको गैस से छुटकारा देती है। और सबसे अच्छी बात एक और है कि ये हर्बल और नेचुरल है, इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो काफी नेचुरल है, जिसकी वजह से ये आपके बॉडी में कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं डालती है जिसकी वजह से आपको आगे जाके परेशानी हो। वैसे तो बहुत सारे इंग्लिश मेडिसिन है गैस के, लेकिन उनके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसे लेने के लिए रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए सोचना पड़ता है। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है। तो इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन, काली मिर्च, काला नमक, छोटी हरहर, जीरा, मीठा सोडा, नोसादर, नींबू, हींग, ये सारी चीजों के मिश्रण से इसे तैयार किया गया है। और जितने नाम मैंने लिए आप देख सकते हैं, बहुत सारे तो घर में अवेलेबल होने वाली चीजें हैं और एक दो आयुर्वेदिक चीजें इसमें डाली गई है जो कि काफी नेचुरल है। गैस होने के वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, जैसा कि पहला कारण डेली लाइफस्टाइल। अगर आपकी डेली लाइफस्टाइल में गड़बड़ है फिर गैस बनती है। जैसे कि अगर आप सुबह उठ के गुनगुना पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा योगा एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, ज्यादा पकी हुई चीजें खाते हैं, मैदा का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तो फिर गैस एसिडिटी होना ही है। और इस कंडीशन में भी अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिटी प्रॉब्लम से जो है फेस कर रहे हैं, तो भी आप इस गैस हर चूर्ण को थोड़ा सा 2 से 3 ग्राम अगर आप गुनगुने पानी के साथ ले लेंगे तो आपको इंस्टेंट आपके गैस में रिलीफ मिल जाएगी। दूसरा जो रीजन होता है वो है कंस्टिपिकेशन। कंस्टिपिकेशन की वजह से भी जो है गैस बनती है। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है यानी कि कंस्टिपिकेशन रहती है, उससे भी गैस एसिडिटी बन जाती है। इसके लिए आप मॉर्निंग में गुनगुना पानी पिए और उसके बाद एलोवेरा आंवला जूस लें। एलोवेरा आंवला जूस के बाद भी आप 1 ग्लास और गुनगुना पानी पी लें। ऐसा करने से जो है आपके एसिडिटी बनने की जो ये है प्रोसेसिंग है वो कम हो जाएगी और एसिडिटी कब्ज जो है बहुत कम बनेगा। तीसरा जो रीजन है वो है लीवर, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारी चीजें अगर वीक है तो भी जो है गैस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी खाना हम लेते हैं, उसको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ही जो है उसे पचाती है। और लीवर, ये सारी चीजें कमजोर होती है तो ठीक से वो फूड जो है वो पाचन क्रिया नहीं हो पाती है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं जाती है। उसमें से जो होने चाहिए एक्सट्रैक्ट, जो जूसेस निकलने चाहिए वो नहीं निकलते हैं और एज अ रिजल्ट एसिडिटी जो है बहुत ज्यादा आपको बनती है और आपको जो है बहुत दर्द फेस करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में भी इस दवाई को आप ले सकते हैं, ये गैस हर चूर्ण को आप यूज कर सकते हैं। इसे आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए भी चूज कर सकते हैं और इसे आप रेगुलर बेसिस पे भी ले सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये काफी नेचुरल और हर्बल है। तो आइए चेक करते हैं इसके डोजेस क्या है। इसके डोजेस जो है 1 to 3 ग्राम आफ्टर मील्स है, यानी कि 1 से 3 ग्राम तक आपको खाना खाने के बाद इसे लेना है और उसके बाद गुनगुने पानी के साथ आप इसे लें। इसे लेने के बाद आप गुनगुना पानी 2 ग्लास पी लें। ये आपको 1 to 3 times अ डे आप कर सकते हैं, यानी कि 1 से 3 बार तक आप इसे ले सकते हैं। सुबह शाम भी ले सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप 3 बार भी ले सकते हैं। ऐसा अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपको बिल्कुल भी गैस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और कंटिन्यू अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो हो सकता है आपकी पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम गैस की ठीक भी हो जाए। आइए चेक करते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है वो है 105 रुपीज आज के डेट की, यानी कि 105 रुपए।
और ये आपको इजीली किसी भी आयुर्वेदिक शॉप या ऑनलाइन में आप इसे परचेस कर सकते हैं, ये कहीं भी आपको मिल जाएगी। होप मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे साथ बने रहे और आगे भी मैं इस तरह के रिव्यूज लाऊंगी। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।